सूचीबद्ध 25 प्रकरणों के विरोध में अभिभाषक संघ के सदस्य तीन दिवसीय हड़ताल पर न्यायालय कार्य नहीं करेंगे संघ के सदस्य सोन कच्छ अभिभाषक संघ के सदस्यों ने 25 सूची पद्ध प्रकरणों के निराकरण की अवधि तय किए जाने के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल करते हुए न्यायालय कार्य से विरत रहने का ऐलान किया बुधवार को अभिभाषक संघ के कक्ष में संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार मुंगी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उच्च न्यायालय ने बासठ दिनों में पच्चीस सूची पद प्रकरणों के शीघ्र निराकरण इसी क्रम में दो दिनों में सूचीबद्ध प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए सभी जिला एवं तहसील न्यायालय को निर्देश दिए हैं यह स्पष्ट है कि न्यायालय के मध्य जो मधुर संबंध प्रकरण के शीघ्र निराकरण में रहते थे वह समाप्त हो रहे हैं न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अभिभाषक संघ ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया उच्च न्यायालय में भी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण होना चाहिए अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दे दिए हैं इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण राठी नरेंद्र सौखिया रविंद्र कुमार व्यास देवी सिंह ठाकुर गोविंद सिंह बघेल संघ उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ठाकुर संघ के सदस्य मोहन लाल मालवीय मनोज शर्मा विमल नागर समीर शेख कविता सोनी अभिषेक जाजू शफात कुरेशी शाकिर मंसूरी सहित संघ कर्मचारी ओम प्रकाश चौहान एवं अभिभाषक गण उपस्थित थे रूपेश्वर सिंह की रिपोर्ट यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 25 प्रकरणों लोअर कोर्ट में का निराकरण तीन माह में करने का जो आदेश दिया है उसके विरोध में सारे जिले में हो रही है तो उनके भी 15, 16 और 17 तारीख को ये हड़ताल रहेगी सारे अभिभाषक कार्य से विरत रहेंगे यह सर्वसम्मति से आज अभिभाषक संघ की बैठक में निर्णय लिया गया